सभी को राधे राधे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। ये देखिए, मैंने कपड़ा लिया है, ये टिशू का कपड़ा है और आज मैं पोटली बैग बना रही हूँ इसे बहुत ही आसान तरीके से। लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटा बड़ा जितना आपको बनाना है उसी नाप से आप बनाएं। बीच सेंटर में एक निशान लगा लिया। अब ये गोटा पट्टी लूँगी मैं एक, ये देखिए, और इसी ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर दोनों साइड में सिलाई लगा दूँगी। एक और ऐसे लगाएंगे हम, ये थोड़ा गैप रखेंगे इसमें। अब इसके दूसरी साइड सिलाई कर दूंगी मैं, ये देखिए। अब इसको फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड इसके यहाँ पर ऐसे सिलाई कर दूंगी। ये देखिए कितनी आसानी से हमारी पोटली बैग बना है। जो वेस्ट है हल्का इसको कट कर दें। इसकी हेल्प से लेटर की इसको थोड़ा सा हल्का सा जला देंगे ताकि इसके धागे ना निकले, और इसको सीधा कर लें। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा पोटली बैग बनेगा। ये देखिए, अब इसमें मैंने एक डोरी ली है, ये रेडीमेड पतली बारीक वाली डोरी है, और ये सुई में एक धागा डालना है, मशीन वाली सुई लेनी है और उसमें ऐसे पीछे बांध के धागे में इसको नाड़े की तरह इसमें डाल देना है। ये देखिए ऐसे हमने इसमें डोरी डालनी है, जितनी आप लंबी रख सकते हैं उतनी रखना, जितनी आपको अच्छी लगे छोटी बड़ी। अब इससे एक बार इसको ऐसे चला देंगे लेटर से। ये देखिए अब हमने दूसरी साइड डालनी है, इसी तरीके से हम दूसरी साइड को भी डालेंगे। ये छोटी छोटी थैलियाँ जैसे हम शादी ब्याह में देते हैं, छोटी छोटी गहने चीज रख कर इसमें दे सकते हैं। ये देखिए दोस्तों दोनों साइड मैंने डाल दी हैं। अब इसमें हम छोटी सी एक, ये मैंने रिबन लिया है और रिबन की ही एक इसमें ऐसी ये लटकन बना देंगे। ये थैली बनाना बहुत ही आसान तरीका है थैली बनाने का। ये देखिए मैंने दोनों साइड लगा दी। अब इसको सीधा करेंगे और इसको हल्का सा कट कर दें, दोनों साइड से कट कर लें। ये देखिए अब इसको हल्का सा इस लेटर की हेल्प से इसको हल्का सा ऐसे जला देंगे ताकि इसके धागे ना निकलें। ये देखिए कितना छोटी सी सुंदर हमारी थैली बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें हम छोटे छोटे जैसे पायल होगी, बिछवे होगे, ये हम रख कर गिफ्ट कर सकते हैं।
देखिए दोस्तों, ये मैंने एक अलग सा फाइबर कपड़ा लिया है। ये मेरा फैब्रिक बहुत ही सुंदर, बहुत ही सॉफ्ट है। देखिए लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से रखेंगे इसका। मैं गोल वाला पोटली बैग बनाऊंगी और ये भी बहुत ही आसान है बनाने का तरीका मेरा। ये देखिए बना रही, जैसे दिवाली पर किसी को आपको गिफ्ट करना है, दिवाली आ रही है तो त्योहारों पर हम इसको गिफ्ट कर सकते हैं, या हम किसी के शादी ब्याह में भी इसको गिफ्ट दे सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा और आसान तरीका इसका बनाने का। ये देखिए अब इसको 1 इंच बढ़ा के मैं इस पर सिलाई लगा दूँगी, जो ज्वाइंट है ये ज्वाइंट पे इसकी सिलाई लगा लेंगे। अब इसके चारों तरफ एक सिलाई कर दें ताकि कपड़ा आपस में अटैच हो जाएगा। ये देखिए अब जो वेस्ट है इसको कट करके निकाल दें कपड़े को। अब इसका बीच सेंटर का एक निशान लगा लें और दोनों साइड से 1-1 इंच छोड़ के इस पर ये रिबन में अटैच करूँगी। ये चौड़े वाला गोटा पट्टी लिया मैंने, 1/2 इंच है इसकी चौड़ाई करीब। दोस्तों चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं मेरी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, समय समय से मिलती रहे। अब इसको साइड में सिलाई लगाएंगे इसकी और नीचे से इसको मैंने खुला ही रखना अभी क्योंकि हमने एक गोल पोटली बैग बनाना है, तो इसकी एक साइड ही सिलाई लगानी है। ये देखिए अब ये जितनी इसकी है लंबाई चौड़ाई है इतना ही मैंने कपड़ा लिया है और इसको जितना हमें चाहिए उस पर हमारी गोलाई आएगी उसी हिसाब से इसको गोल कट कर लेंगे। मैंने निशान लगाया 2.5 इंच पर, यानी 5 इंच की इसकी गोलाई रहेगी। ये देखिए दोस्तों अब इस पर मैं इसको पहले अटैच कर लेती हूँ। ये जो फैब्रिक है दोस्तों कलश वाला फैब्रिक लिया है मैंने, ये आपको कहीं भी नॉर्मल कपड़े की दुकान पर मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों अब हम इसमें ये गोलाई में इसको अटैच करेंगे। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा हमारा गोल बैग बनकर तैयार हो गया पोटली वाला। अब इसमें मैं डोरी डालती हूँ
और कितनी आसान तरीका है बनाने का दोस्तों, कमेंट करके बताएं कैसा लगा मेरा बनाने का तरीका। मिलते हैं एक, अब मैं इसकी ये बनाती हूँ, हम ऊपर पकड़ने वाला इसकी हैंडल भी बनाएंगे। ये देखिए, ये मैंने पहले से बना कर रखा हुआ है और मैं इसमें अटैच कर देती हूँ। आज बैग हमारा बहुत ही खूबसूरत बैग बना है, एक बार ट्राई करें बना के और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।